जैसे हमने यशायाह में पढ़ा भी कि जैसे ओस गिरती है भूमि पर, है ना, पानी आता है आसमान से इस जमीन पर, तो जब पानी आता है इस धरती पर तो कुछ फायदा देता है कि नहीं देता है? जब ओस गिरती है तो कुछ फायदा देता है कि नहीं देता है? जमीन को फायदा देता है, यहां तक कि जब ज्यादा गर्मी हो और बारिश हो जाए तो पूरे मनुष्य को शांति फील होती है और खेती को भी फील होती है शांति, पशु पक्षी जानवर को भी शांति फील होती है। आमीन। परमेश्वर बोल रहा है कि जैसे ओस गिरती है जमीन पर तो उपज उपजाती है ताकि जिसने बोया है वो काटने पाए, सेम उसी प्रकार से मेरा वचन भी है जो मैंने भेजा है, जो मैंने बोला है वो उसी प्रकार है। और वो जब किसी के हृदयों में जाता है, जब किसी ऐसे क्षेत्र में जाता है जहां बीमारी है, वहां जब चंगाई का वचन जाता है तो व्यर्थ वापिस नहीं आता, हम उसको बोते हैं और वो कई गुना प्रतिफल के साथ आता है। आज क्यों प्रभु के दास लोग अधिकार के साथ बीमारियों को डांटते हैं? क्यों अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही बोल दिया कि जाओ तुम बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और जब यह वचन हमने प्राप्त किया, जब हमारे हृदय में बोया गया और हमने इसको ग्रहण किया अधिकार के रूप में, तब हमने उसको इस्तेमाल किया दूसरों के जीवन में और हमने देखा कि वो प्रतिफल में आ रहा है। परमेश्वर का जो वचन है वो व्यर्थ नहीं होता। पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। फिर से बोलिए, परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आमेन, आमेन। इसमें लिखा है जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बीमारी में हैं तो अपने परमेश्वर के वचन को लीजिए, यदि आप गरीबी में हैं अपने परमेश्वर के वचन को लीजिए, यदि आपको कभी निराशा आती है किसी बात से तो अपने परमेश्वर के वचन को लीजिए, यदि आप कभी, आपको पाप परेशान करता है, आपको आपका शरीर कंट्रोल में नहीं होता है, आप परमेश्वर के वचन को लीजिए, वो आपको ताकत देगा, वो आपको बल देगा।